वेल हे गाइस, दिस इज एमटी राइडर हर्ष एंड बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं। तो जो आज का टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं, जो मेरी साइकिल है उसकी जो ब्रेक है वो घिस चुकी है। ना ही तो उससे स्टॉप ही हो पाती है, ना ही पूरी साइकिल उठ पाती है, ना ही ब्रेक अच्छे से लग पाती है। तो आज की वीडियो में मैं अपनी डिस्क ब्रेक को पावरफुल करने वाला हूं, तो इसलिए आज वीडियो को पूरा देखना। और जो भी चैनल पर नया है प्लीज वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल के बेल आइकन को दबा दे ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सको। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे मेन बात, थोड़ा आप पास में आ जाओ। आप लोगों ने किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और मुझे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर गेन करने है, ये मैंने आपसे पिछली वीडियो में बोला, तो प्लीज जरूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम आप ये देख सकते हो, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी मैं ये ब्रेक का जो वायर है आपको कुछ इसको इधर से खोल लेना है, ये 5mm की एलन की से इजीली खोल लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ब्रेक के आगे वाले ब्रेक पर आना है और आपको आगे वाले ब्रेक के वायर को आपको खींचकर कुछ इस टाइप से देखना है। अगर आपका ये वायर कुछ इस टाइप से अगर बाहर निकल रहा हो, ब्लैक ब्लैक से अगर बाहर आ रहा हो, तो आपको एक इस टाइप का एक छोटा सा एक नट डाल देना है इसमें, ताकि जिससे ये इसके अंदर ना ज़्यादा घुस पाए और निकल ना पाए, इस वजह से हमारी ब्रेक ढीली हो जाती है। तो आपको ये काम कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये है कैलीपर, आपको इसको खोल लेना है। तो ये दो 5mm के एलन की बोल्ट हैं, तो इनको आपको खोल लेना है। तो इसको खोलने के लिए आप या तो ये इस टाइप की एलन की टी का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पे अगर एलन की हो तो आप उससे भी खोल सकते हो। तो अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं इस पर भी बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ये हमारा कैलिपर खुल चुका है और आप लोग देख सकते हो, ये लोकल वाला कैलिपर है जो वेनम का आता है। आप लोग किसी एक भी यूट्यूब पे अभी तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनी कि हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इस वाली डिस्क ब्रेक को, तो मैं आपको इस पर बताऊंगा। बनी है अभी तक यूट्यूब पे, वो जो अलग टाइप का कैलिपर होता है उसके ऊपर बनी है। मैं आपको कैलिपर भी दिखा देता हूँ, मेरे पास है वो, कुछ इस टाइप का कैलिपर होता है जो भी अभी तक यूट्यूब पर वीडियो बनी है, उस पर बता देता हूँ कि हमें इसको कैसे रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इस टाइप का एक स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर ले लेना है, और जो ये इसका ये ब्रैकेट है ये वाला, आपको ये आपको इसको खोल लेना है। सो इसको खोलने के लिए आपको ये कुछ इस टाइप के ऊपर एक पत्ती मिलेगी, तो इसको आपको निकाल लेना है। और उसके नीचे आपको एक वॉशर मिलेगा, तो इस पत्ती को आपको उससे पेचकस की मदद से खोल लेना है कुछ इस टाइप से, और वॉशर को भी निकाल लेना है। निकल चुकी है, आप लोग देख सकते हो इजीली इसको हम साइड, और ऐसे ही आपको ये दूसरी साइड में मिलेगा, एक ऊपर लॉक मिलेगा, उस लॉक को खोलने के बाद एक वॉशर मिलेगा, तो उसको भी आपको खोल लेना है। कुछ इस टाइप से ये बाहर निकल आएगा, तो आप लोगों को इसको साइड में रख देना है ब्रैकेट को। उसके बाद आपकी ये जो बोल्ट है, आपको इसमें दो स्प्रिंग मिलेंगी, आप लोग देख सकते हो, तो आपको उन स्प्रिंगों को भी निकाल लेना है। उसके बाद आपको ये बोल्ट खोलने, तो ये बोल्ट खोलने के लिए भी आपको एलन की जरूरत ही पड़ेगी, तो मैं इनको खोल लेता हूँ। दो बोल्ट हमारे भी खुल चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जो वो टेस्टर था, आपको फिर से ये टेस्टर ले लेना है, और जो ये इसके पैड्स हैं ये आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ये जो इसके पैड्स हैं आपको इनको भी निकालना है। तो कुछ आपको देखो इस टाइप से, जैसे ये है, इसको आपको प्रेस करना है और इसको इधर से यूँ निकाल लेना है। तो मैं आपको इसको निकाल कर दिखाता हूँ। तो गाइस, इसको निकालने में आपको टाइम भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपका एक पैड निकल जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा पैड निकालने के लिए जो इसमें एक बीच में पत्ती होगी
तो आपको किसी भी प्लायर किसी चीज की मदद से उसको पत्ती को पकड़ कर खींच लेना है, तो आपका दूसरा पैड भी इजीली इससे निकल आएगा। तो आपको मैं इसको पूरा बिल्कुल एकदम खोल कर दिखा देता हूँ अच्छे से। सकते हो ये क्लिप भी निकल आया और ये हमारा सेकंड पैड भी निकल आया, ये क्लिप और ये पैड। के बाद आपको ये लेनी है इसकी बॉडी, और इस बॉडी को आपको पूरा, ये सोप सॉल्यूशन है, ये शैम्पू और उसका डाल के आपको इसको पूरा क्लीन कर लेना है। के बाद आपको इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है किसी सूखे कपड़े से। और आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, अगर आपके में ऑयल भी लग जाता है तो आपको इसी तरह से उसको भी क्लीन कर लेना है। सो गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने डिस्क को भी क्लीन कर लेना है। तो इस डिस्क को आपको आराम से करना है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीस होता है एक्सेल के अंदर, आपको उधर कम ही फेंकना है, उससे ग्रीस भी जा सकता है और आपकी साइकिल आवाज भी करेगी। तो इस वजह डिस्क पहुंचने के बाद आपको ये रेगमाल लेना है, और इससे आपको ये जो इसका आउटसाइड है आपको इसको घिसना है। घिसने से क्या होगा, जो ये इसकी स्मूथनेस से ये रफनेस हो जाएगी बिल्कुल, जिससे हमारी ब्रेक अच्छे से पकड़ेगा इसको। तो गाइस, डिस साफ करने के बाद आपको अपने ये पैड जो है इनको भी इजीली साफ कर लेना है उसी सोप सॉल्यूशन से, और इनको आपको रेगमाल की मदद से घिस लेना है। इसकी बिल्कुल स्मूथनेस खत्म कर देनी है, इसको बिल्कुल रफ कर देना है। चाहे तो ये देख सकते हो, अब मेरा ये पैड टूट चुका है, तो आप लोग नए भी डाल सकते हो, पर मैं इसको उस साइड लगाऊंगा जिस साइड ब्रेक नहीं लगती, पर ये फिर भी काम कर जाएगा। वैसे भी मैं इसमें नया कैलिपर ही डालूंगा, तो मैं इस वजह से ये लोकल कैलिपर निकाल दूंगा इसमें से। तो मैं इस वजह से आपको इसके ब्रेक पैड नहीं चेंज करके दिखा रहा। अगर आप लोग चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ये इतना होने के बाद अब आपने जैसे इस कैलिपर को घोला था आपको बिल्कुल उसी तरह से फिक्स कर देना है। तो अब मैं इसको आपको फाइनल इसकी टेस्टिंग। तो गाइस, फाइनली ये मैंने बिल्कुल अच्छे से लगा दिया। आप लोग देख सकते हो कितना टाइट हो चुका है, पहले ये पूरा इधर तक जा रहा था, अब ये इतना इधर तक जा रहा है। मैंने इसमें क्या करा था, जो इस साइड में जो ये लगता है, इस साइड में ये एक जो ब्रेक शू जो लगता है इधर, मैंने उसमें एक इतना पतला एक वॉशर डाल दिया था, जिससे जो वो था ब्रेक शू वो पूरा अंदर जा रहा था वो, पर उससे थोड़ा बाहर आ चुका है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग कर दिखा देता हूँ। तो मैं आपको इसको चला कर तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं इसका पूरा बिल्कुल रिस्टोरेशन करने वाला हूँ। तो मैंने इसका ये पैडल भी निकाल दिया है, और ये इसकी गियर्स की चेन भी निकाल दी है, तो मैं इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं इसका पूरा कलर चेंज करने वाला हूँ फिर से, क्योंकि मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया था तो ये घिस चुकी है बहुत जगह से, और इसके गियर और ये सब भी खराब हो चुके हैं। तो मैं इसमें दोबारा गियर लगाने वाला हूँ, तो इस पर पूरी सीरीज चलेगी, तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग कर दिखा देता हूँ। आपको चला करने दिखाया, तो ये कोई फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। बस मैं इसको चला नहीं सकता क्योंकि इसमें पैडल ही नहीं है, तो मैं चलाऊँ कैसे। पर हाँ, मैं आपको इसको स्पीड में भी लाकर इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ। तो चलो अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करवाता हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं इस पर वजन डालकर इसको आगे से उठा रहा हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल अब इसको बिल्कुल हल्के हैंड से पकड़ूंगा और आगे जो ब्रेक मारूंगा, तो आप लोग देख सकते हो ये पीछे से उठेगी या फिर इसका टायर घिसेगा आगे का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल हल्के हैंड से, तो आप लोग देख सकते हो काफी इसकी ब्रेक बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कितनी मस्त हो चुकी है बिल्कुल टाइट, और आप लोग देख सकते हो इसका पैडल भी निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई, वैसे भी निकलता था। तो आप लोग देख सकते हो काफी बढ़िया है।
सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बगल के बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सको। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं अगला किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं। अगर आप वो मुझे टॉपिक में अच्छा लगा तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और साथ ही मैं आपका नाम भी जरूर लूंगा कि मुझे उसने कमेंट करा था। तो मैं मिलूंगा आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय फ्रेंड्स।